ठाकुर जी आने से मना कर देंगे, वो हमसे कह करके गए हैं कि हम जरूर वापस आएंगे। इस प्रकार से हम उनकी चिंता कर रहे हैं और उन्हीं को याद करते करते हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। और जब तक हमारे कृष्ण यहाँ नहीं आएंगे, जब तक हम यहाँ से कहीं जाने वाले नहीं है, आप अपना ज्ञान किसी और को बताना, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। तब उद्धव जी वापस आते हैं और गोपिया गोपियों से बात करते हैं, बार बार प्रयास करते हैं, पर गोपी हमेशा कहती है हम कृष्ण के लिए ही जीवित हैं। जिस दिन कृष्ण कह देगा कि हमको यहाँ वृंदावन ब्रज में नहीं आना है, उस दिन हम मृत के समान हो जाएंगे। जब तक कृष्ण नहीं आता है, जब तक हमारे प्राण को कोई हरने वाला नहीं है। हम चाहे भूखे रहें, चाहे प्यासे रहें, पर हम जीवित रहेंगे। ऐसी चीजें कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा है, हम उसी को चिंतित करते रहेंगे और मन में स्मरण करते रहेंगे। तब गोपिका कहती है निधि लगे सामने संग प्रीत दुनिया क्या जाने, निधि लगे सामने।